ये हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, युवा नेता डॉक्टर उपासना बोरा की। हमारा नेता कैसा हो। अच्छा अब देखना कि मैम का मतलब भौकाल देखो आप लोग कि हिम्मत जिसने भी की यारों, वो मोबाइल के सबको सिर्फ 8 नंबर ही देती है। यार अक्सर आकर कहते हैं भाभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बहुत होती है। और ये आज का हम व्लॉग शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अरनेंद्र व्लॉग्स। ओह माथा टेकने से करते हैं शुरुआत। और ये पूरी टीम आ रखी है लेने। ये हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, युवा नेता डॉक्टर उपासना बोरा की। ये गैंग आ चुकी है मैम की सारी। हमारा नेता कैसा, हमारा नेता कैसा हो, हमारा डॉक्टर उपासना ओ भैया उसके बाद बंद भी करना है। शटर ना लगे सर के, दिमाग तेज चलने लगेगा पागल। घुटनों में है ना वो, घुटने में थोड़ी। इसके आगे मत आओ, इसके आगे मत आओ। तुम ना लड़ो मत पहले, आज शाबाश ब्लॉग में आएगी सारी लड़ने भाई छोड़ रखो। बस 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 आगे चलो वीर, तुम बड़े चलो। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता। रुक जाओ, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, रुको 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 रुको। और वो आगे वाला गेट बंद कर देना अभी ओपन। हाँ सुनने, सबने मीटर खींच दिया पहले। अब सारे उठाओ जो नीचे गिरे उसको गिरा देंगे फिर। नहीं नहीं, और मुंह से बाहर निकाल देंगे बम। चलो वन, अच्छा जी थ्री टू वन होता है। थ्री टू वन। चप्पल में आना ये भी जरूरी है शूट करना। सो ये कैसा, क्या क्या है देखना। ससुराल, माइका, जारा लगाते हैं क्या ये आई और सरोजिनी नगर के साथ इस पे। हाँ। अच्छा वो नहीं यार, बड़ा ज्यादा हाई फाई ब्रांड है हमारे। अरे यार हम दिखाएंगे तो नहीं, सही नहीं, ना बिल्कुल नहीं। ये सही है, ये पैरासिटामोल हो गई। यहाँ पे सुदर्शन घनवटी आनी चाहिए थी। नहीं नहीं Happy birthday to you, ma'am. Happy birthday. Happy birthday. तुम्हें नजरबट से एमपी बनाना है भाई, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद। सो मुझे बेहद खुशी हो रही है। वेद आयुर्वेद के लिए, मेरे लिए नहीं। बलून। चलो दो बुढ़िया सुबह ली थी और दो शाम। थैंक यू। और ये वेद आयुर्वेद की टीम ने डॉक्टर उपासना बोरा, डॉक्टर नहीं डॉक्टर, तो डॉक्टर उपासना बोरा को एक बहुत ही बेहतरीन शानदार एक प्रस्तुति गिफ्ट प्रदान किया। मेरे को कह रही विशाखा, भेंट है
भेंट 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 की भेंट प्रस्तुत की गई। मेरे को कह रही विशाखा कि सर को मैम को बोल दो कि रास्ते में उतर जाएंगे अपने लिए कुछ ज्वेलरी का ले आएंगे। मैंने कहा भाई मेरी क्यों आर्थिक स्थिति खराब कर रहे हो। तो चलो यार एक बार अब आप लोग साइड हो जाओ, मैम कुछ बोलेंगी क्योंकि देखो आप लोगों से मैम है और बच्चों ने किया ये सारा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। हाँ सारे, अरे सारे बच्चों ने किया है। अरे वाह, नहीं सच में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। और जैसे कि आप लोगों की इंस्ट्रक्शन से कैमरे ओपन नहीं करने हैं तो मैंने दो दिन से कैमरा ओपन नहीं किया। हाँ ठीक, कुछ भी हो जाए और तो बस मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि सब लोग साथ में ग्रो करो, बहुत अच्छे से आगे बढ़ो, एक दूसरे को देख के कभी खुद में कंपटीशन मत करो, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ो रादर देन कि हम जेलस करें कि ये अच्छा कर रहा है। जो अच्छा कर रहा है उससे सीखो, जो नेगेटिव है उससे दूर रहो। अक्सर हम बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। और ये सच्चाई है, बहुत टाइम लगा है हमें ये टीम बनाने में, एक परिवार बनाने में। तो मैं हमेशा ये चीज चाहती हूँ कि जो हमारे परिवार का हिस्सा बने वो लॉन्ग टर्म बस हमारे साथ चलता रहे। जैसे कि श्वेता ने पेंशन लेनी है यहाँ से, तो उसका मुझे हमेशा डायलॉग याद आता है कि मैम मैं पेंशन लेके ही यहाँ से जाऊंगी, तो उसको हम तब भी रिटायरमेंट नहीं देंगे। तो बस ये रिश्ता जो हम लोगों का शुरू हो रहा है ये इतना आगे इसी तरह से बढ़ता रहे। और थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर डेकोरेशन मैम, सर ने प्लान की, अरे नहीं हर चीज अनएक्सपेक्टेड है और बहुत ज्यादा सुंदर। चलो हमारा नेता कैसा हो। और अभी क्या है कि आप लोग देख सकते हैं कि शादी से पहले जोश कितना हाई हो रखा है श्वेता का। तो ये सारी टीम, ये सारे लोग जा रहे हैं श्वेता की शादी में पटना। तो जो भी हमारे पटना से हमारी फैमिली है, पटना से आगे ही पड़ता है ना, तो वहाँ पे आ सकते हैं, एक मीटअप कर लेना मैम आप वहाँ पे। अच्छा थैंक यू भैया, आज ही भैया आप भी आओ। बहुत रोमांटिक सा कॉन्टेंट आता था तो इस बार सोचा थोड़ा सा ना कॉमेडी करते हैं, ठीक है, बोलो कि बेइज्जती करते हैं। देखो कहूँगा कि एक ना बहुत हम छोटे थे तब से ना एक कहावत चलती है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो शादी के बाद ना मैंने सेब खानी छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि मेरी शादी डॉक्टर से हो गई। नैना थे कजरारे और तिल पर उसके दिल को हारे थे, तोड़ ना पाए एक फूल जो बात करते तोड़ने के वो तारे थे। पप्पू छेनू और राजू क्या बताऊं उसके दीवाने सारे थे, जो संभल गए वो बने अफसर बाकी के रहे बेचारे थे। हमारी कोई बात ना समझे और समझते उसके लोग इशारे थे, प्यार में हालत है कुत्तों जैसी वरना हम भी राज दुलारे थे। अब ये यहाँ पे मैम का पूरा कार्य देखना कैसे है कि जब बच्चे उसके घर में गेंद फेंक देते हैं, बच्चों के गेंद मांगने पर उनके कान मोड़ देती है, मैं तो उसको घूरता रहता हूं पर वो मुझे देखते ही अपना मुंह मोड़ लेती है। और यूं रोज रोज क्या बताऊं उन बच्चों पर मैं 100 रुपए की रिश्वत हार जाता हूं और उन बच्चों के साथ साथ मैं भी उससे गालियां 4 खाता हूं। 4 महीने में नंबर तक ना ले पाया उसका और पप्पू के टिंडर पर 4 नए मैच हो गए हैं। यार मेरी जींस रोज रिपीट होती है और उसके होते सूट रोज नए हैं। अच्छा अब देखना कि मैम का मतलब भौकाल देखो आप लोग कि हिम्मत जिसने भी की यारों, वो मोबाइल के सबको सिर्फ 8 नंबर ही देती है। यार अक्सर आकर कहते हैं भाभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बहुत होती है। अच्छा अब ये मैंने ना कंपैरिजन किया है मैम के साथ अपना, ठीक है, कि वो खूबसूरत सी लड़की कोई बिल्कुल परी जैसी, वो खूबसूरत सी लड़की कोई बिल्कुल परी जैसी, मेरी औकात उसके आगे बिल्कुल मरी जैसी। वो खूबसूरत सी लड़की कोई बिल्कुल परी जैसी, मेरी औकात उसके आगे बिल्कुल मरी जैसी। वो खूबसूरत सी म्यूजियम में कोई पेंटिंग धरी जैसी, मेरी औकात सरकारी स्कूल में रोंदी हुई दरी जैसी। वो खूबसूरत सी खेतों में कोई फसल हरी जैसी, वो खूबसूरत सी खेतों में कोई फसल हरी जैसी, मेरी औकात सिम कार्ड के साथ मिला 10 का रिचार्ज फ्री जैसी। वो खूबसूरत सी सूरत के साथ गुणों से भरी जैसी, मेरी औकात 30 साल का लड़का और बुद्धिमानों क्लास थरी जैसी। और ये आखिरी में कि जैसे सूरज कोहरे में अपनी किरणें बिखेरता है, ओस पत्तों पर मोती बन चमकता है, दिया कोई मानो अंधेरे में रोशनी करता है,
तो वो है, तू वो है जिसे देखने के लिए मेरा मोहल्ला छत पर चढ़ता है। चलो ठीक है, दरी नहीं हो भाई। चलो आपके ऊपर ना जो आपके साथ खड़े हैं वो इतना भरोसा दिखा रहे, तो आप उस भरोसे पे खड़े उतरो। एक ना मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, एक बार ना हमारे घर में ना चोरी हुई थी, तो जो काम वाली आंटी थी ना, तो उन्होंने क्या हुआ कि पापा की जेब में से पैसे निकाल लिए। उनको हर महीने की 3,000 सैलरी मिलती थी और 10,000 रुपये पापा की जेब में थे, और मम्मी मेरी थोड़ी सी चालू है तो उनको पता ऐसे चल गया, क्योंकि जब काम वाली आंटी पोछा लगा रही थी और जब उन्होंने पैसे निकाले ना, तो जो जेब है ना उस पे ना वो पानी का निशान रह गया, और उसी टाइम पे पापा आए, कह रहे जेब में पैसे नहीं, वो निशान तो पता चल गया था, वो मानी नहीं, हमने उसे निकाल दिया। 5 महीने तक उसको ना कहीं काम नहीं मिला, वो ऐसे ही भटकती रही। 5 महीने बाद आई वो, आप सोचो कि सिर्फ उसने 10,000 रुपये चुराए, लेकिन नुकसान उसने 15,000 का किया। 3,000 को आप 5 से गुना करो 5 महीने का। हमें लगता है कि हम आज ना चतुराई करके या कुछ करके कर लेंगे, लेकिन हम लॉन्ग टर्म में अपना नुकसान करेंगे। आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो भी छोड़ के गए, आप उठा के देख लो जितने बच्चे छोड़ के गए ना उनका फ़ोन आता है, जो दो दो साल पहले नौकरी करते थे ना उनका भी फ़ोन आता है, मैम अगर जगह हो तो देख लो। क्योंकि यार देखो ऐसा होता है ना, जगह तो है पर दिल से खाली हो गई है, वो जगह भरी नहीं जाती। अगर एक बार वो दिल से जगह निकल जाती है ना, फिर जगह तो इसमें 100 एम्प्लॉइज़ की अभी, पर फिर वो बन नहीं पाते। आप लोगों ने जितना विश्वास जताया ना, आप एक बार जता के देखो, मैं कह रहा हूँ 5 साल बाद आप सब अपने डिसीजन पे बहुत प्राउड फील करोगे। बस इतना ही लिखा है, याद इतना ही है। ये और ये आ चुका सारा खाने का, ले चलो भाई। तो अंदर चल रही है अभी डांस पार्टी और आ चुका है खाने का सारा सामान, अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 2:00 PM। सो ये चल रही है यहाँ पे पार्टी। तो ये गुरप्रीत, गुरप्रीत ये चौथी बार रिफिलिंग हो रही है, ये देखो डाइटिंग पेपर ना गुरप्रीत। हाँ जी बोलो। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा पहला छोटा सा सरप्राइज उपासना के बर्थडे पे आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। और शायरी के लिए थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि सुबह 4:30 to 5:30 के करीब तक ये शायरी मैं कंप्लीट कर पाया था, तो मुझे इसे रिवाइज करने का भी टाइम नहीं मिला। ये मैंने बस एक बार सिर्फ लिखी थी, इसके बाद मैंने नज़र इसको सीधा वहाँ पे परफॉर्म करते टाइम मारा, तो इतना ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं था बोलते टाइम, लेकिन उसके लिए माफ़ी। और आप लोग कमेंट्स में बताना कि मेरा ये पहले वाला सरप्राइज़ आपको कैसा लगा। लेकिन जो ब्लास्ट होने वाला है ना, जो इसके बाद अभी 2 सरप्राइज़ पेंडिंग हैं, 2nd और 3rd ब्लॉग्स आने वाले हैं करीबन। जो मैंने एक स्टोरी डाली थी कि आप लोग सारे आना, बहुत सारे लोग आए थे, तो पूरा कुछ हुआ है बहुत अमेजिंग सा, और बस मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए बिल्कुल बेताब हूँ। पर वो सारा हमने शूट कैमरे से किया है, तो मैं वो वेट कर रहा हूँ, डेटा जैसे ही आएगा मतलब 1 या 2 दिन में वो सारे व्लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही आप लोगों को सपोर्ट करना है, और वो मतलब आप देख के हैरान हो जाओगे कि ये कैसे कर गया एक लड़का। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, एक प्यारा सा कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब। लाइक करना बहुत जरूरी है, तो मैं भी कहूंगी कैसे कर गया एक लड़का। लाइक करना बहुत जरूरी है, और एक कमेंट की आपको ये पूरा सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे तो आप लोग लिख चुके हो कल वाले व्लॉग में, तो आज हैप्पी बर्थडे वाला कमेंट नहीं करना, आज करना है कि ये जो प्लान था ये कैसा लगा और मेरी शायरी कैसी लगी।